दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से मेरे चैनल में आप लोग फिर स्वागत करता हूं। तो आज ये हनी है, ये चार बोटल हनी है, ये जो काठमांडू मेरा एक कजन सिस्टर है उसके पास मैं भेज रहा हूं। तो यहाँ से मैं 2 घंटे के रास्ते से एक गांव जा रहा हूं। उस गांव में जाके मैं ये दे दूंगा और वहां से एक बंदा काठमांडू सीधा लेके जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये काठमांडू नेपाल बिजनेस, ये हनी, और मैं इसको पैकिंग कर रहा हूँ। ये काठमांडू के लिए तैयार है, ये प्योर हनी है, तो बहुत अच्छा है हनी। तो दोस्तों मैंने सारे ये बटन को बहुत अच्छे से इसके पैकिंग कर लिया। तो हम लोग इसमें डालेंगे और पहली बार वो काठमांडू जा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। ये पहले दोस्तों मैं ऑन द वे, मैं रास्ते में जा रहा हूँ। तो हमारा ये गांव का रास्ता है, अभी तक कोई पिच नहीं हुआ है तो बड़ा फावड़ा ही रास्ता है। तो मैं जा रहा हूँ एक गांव, वो रंगीत मजुआ कहते हैं, वो रंगीत मजुआ के गांव में जाकर मैं एक बंदे को ये हनी देके आऊँगा। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट हुआ है पैदल जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब 10 मिनट लगेगा वो बंदा का घर, लेकिन यहाँ से तो अच्छा रास्ता है। और ये रास्ता है ऊपर जाएगा और ये नीचे भी जाएगा, ये नीचे बिजनबारी और ओके वो जोरथांग सिक्किम जाएगा। तो यहाँ से माने भंजेंग और दार्जिलिंग की ओर जाएगा। और यहाँ पर एक हॉट भी है, वारबिलर शॉट, यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी में और होम स्टे है, वो भी आप लोग ये भी ठहर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, तो वो सावजी रिवर बोलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो यहाँ का जल है, यहाँ जाना पड़ेगा इधर से। तो यहाँ पर बहुत हॉट है ये रिवर के आसपास। तो आर्यनवास भी है, ये कुछ ही क्षणों में आर्यनवास एक वो लॉज है, वो भी आप घूमकर वो भी वहाँ आप ठहर सकते हैं। फाइनली हम उस गांव में पहुँच गए हैं, तकरीबन 2 घंटे के पैदल रास्ते में चल के वो घर, वो बंदा का घर आ गया है। तो यहाँ से अब 2-3 मिनट लगेगा पुकने के लिए। ये रंगीत मजुआ बोलता है इस गांव, ये रंगीत मजुआ है, मेरे गांव से लगभग 2 घंटे के रास्ते है। फाइनली हम वो घर पहुंच गए हैं, वो घर है।
फाइनली वो बंदा का घर आ गया है, तो गांव में जाके देखूंगा है कि नहीं। मैंने कल तो फोन किया था। बाजी है बड़ा। रमन बाबू रबिन बुबुलाई दिनुहोस् ल भनेर भन्नुभएको थियो र चाहिँ मैले रबिन बुबुलाई हिजो कल गरेको थिएँ कि। नानी तिमी म हजुर माइला। ए तो मैं फाइनली उस बुबु का घर आ गया। बहुत थक से थकला हुआ है, थका हुआ है। तो मैं फाइनली उस घर आ गया हूँ। अभी वो घर पर नहीं है, वो मार्केट में गया है।